हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्ते, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सूरज देख खूब अच्छा निकले है ना। पूरा धूप हो गया है और धूप होने लगा तो अच्छा होने लगा ना। अब पूरा हमारे कपड़ा है और सारा सब कुछ सूख जाता है। तो हमारे लिए दोस्तों गिफ्ट आया है। कौन है? डॉगी है क्या? हमारे लिए गिफ्ट आया है। कल आया था ना? आज नहीं, कल आया, कल शाम को आया था। तो वो रखे हैं और आप लोग दिखाते हैं क्या आया है। तो चलो फिर चलते हैं और पहले गिफ्ट दिखाते हैं, पहले खोलते हैं क्या क्या आया है। तो आज हम गिफ्ट ही खोलेंगे ना। अच्छा, रोटी बची थी ना, डाल दिया अंदर तो नहीं आना। हाँ ठीक है, डॉगी को ज्यादा रोटी डालें, थोड़ा बच गया था तो वही डाली, बासी रोटी खा ले। आज हम बिस्तर आ बेटा, इसको हम बिस्तर में। हाँ बैठा दे। अरे दादा मोबाइल लग गया क्या? लग जोर से जय कुमारी आए ना, उस तरह भी झुक गया। हाँ बस रहे हैं, तुम भी झुक गए हो ना। जय आजी के मोबाइल लग गया, हम ऐसा कर दिए। बैठ बैठ बैठ, खेलेगी। आज हम बिस्तर ही नहीं जैसे हैं क्योंकि क्या है ना कि मतलब कल थोड़ा सा काम शाम को ज्यादा हो गया तो थोड़ा सर दर्द करने लगा, तो आज हम लेट उठे हैं। जय जी पूरा उठ करके काम वाम सुबह सुबह कर लिए हैं और हम भी पानी भर के रख दिए थे, बस फिर से लेट गए। बिस्तर अभी नहीं जाते हैं तो हम सोचे आज थोड़ा ठंडा भी थी ना जी, सुबह आज हल्का ठंड भी थी ना। हाँ। तो चलो फिर गिफ्ट दिखाते हैं ना। अच्छा निकाल के रहा। हाँ। हम भी सोच रहे थे आज गिफ्ट दिखाएंगे तो बिस्तर में ही, ठीक है ना, इस डिब्बे में। हाँ लव, ये डिब्बे में गिफ्ट है हमारा, ये वाले डिब्बे लो पकड़ो। तो कल ही इसका हम अनबॉक्सिंग कर देते तो आज जम बार दिए थे इसमें। और ये हमारा गिफ्ट एक है, अभी देखे नहीं क्या इसके अंदर ना। हाँ। देखें क्या है। लो इसमें ये बिटिया का उसको पलटान दूंगा, वो खा रही है पत्या वाला, पहरा खा रही है सबसे बड़ा पार्सल आज तक का है ना। बड़े बड़े तो आ रहा है लेकिन इस तरह का नहीं है, बॉक्स में पैक नहीं है ना, ये बॉक्स में पैक होगा। ये है और नहीं है और क्या है? और गिफ्ट है पहले वाले, और पहले वाले कपड़े हैं और जो सामान वामान है इसे भर देते, नहीं तो उसको लगा दो। डॉगी घूम रहा है बेटे, सामान आ जाए, सामान एक साइड में कर दो, ये इसको कर दो, इसको बिटिया को ले बजाओ। हां बिट्टी के लिए पहले खेल दो, अब हम काटते हैं, दिखाओ। तो चलो अब अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग दिखाते हैं क्या इसके अंदर है। हाँ। अभी तक हम भी नहीं देखे हैं क्या है ना। सही काट रहे हैं, ये बहुत बहुत जाड़ बहुत मोट लगा है ना। सही काट रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो पूरा बक्सा काट दिया गया, इधर से काटो ना जी। नहीं ठीक, हाँ ठीक 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 है, बक्सा हाँ सही। खेल रही है बिट्टी, ढक्कन ढक्कन कर रही थी। इसमें क्या बिट्टी? ये देखिए दोस्तों, ये गिफ्ट हमारा, अब इसमें आटा है ना। हाँ। 10 किलो आटा ना, देखो 10 किलो। हाँ 5 किलो, 5 किलो, 5 kg आटा ना। हाँ। 5 किलो आटा हमारे लिए आया है। हाँ। और ये काफी दिन के लिए हो जाएगा ना। अच्छी मिलती, बहुत अच्छी रोटी बनेगी। ये तो फोटो में दिखते इस तरह की। लो इसको, आटा आया है, इसमें तो आटा था ना। लो लेकिन अच्छा, बहुत काफी दिन के लिए हो जाएगा। इसको अब रख देते हैं हटा कर। हाँ, देख रहे हैं।
अब ये खोलते हैं, इसको बाद में खोलेंगे। ये बेटे खेलो तुम इसमें, बड़ा बड़ा पहले खोलोगे छोटा बाद में। ये लो इसमें खेलो बड़े में। ले ये वाला तुम खोलो। हम खोलते हैं। कहाँ से काट दो, दोनों साइड से चिमकुल लगा है, चिमकुल के ऊपर से काट दो, उधर से काटो, उधर से काटो। अरे काट दो पूरा मत काटो। कैसे काटो? ऊपर ऊपर टेप चिकन पट्टी काटना है। अच्छा ऐसे करना है। हाँ पूरा बक्सा कर जाएगा। हाँ अब इस अगर सो ऐसे कर ले। ऐसे हाँ हाँ कम कम आउट बॉक्स काम में आ जाएगा ना। हाँ सही कह रहे हो। सामान वामान भर देंगे इसमें ना। ये देखो ये तेल है ना, तेल जी सिरी सिरी कच्ची घानी सरसों तेल, सरसों तेल है। एक लीटर है, बहुत दिन के लिए होता है ना। हाँ हो जाएगा, बहुत दिन के लिए हो जाएगा हमारे लिए। हाँ हम रख देते हैं इसको। हाँ रख दो। और ये वाला भी खोलो क्या आया है। हम खोले, तेल हो गया और आटा। हाँ, हो गया ना। हाँ, दो चीज आया। और दो दीदी जी पहले ही भेज चुके हैं। हाँ वो आपको बता चुके हैं, चाय आई थी उसमें और चावल आए थे ना। हाँ चावल, चावल बासमती राइस थे और चाय चाय पत्ती थी। और ये बाद में आया है, रह गया था। तो लड्डू जैसे दिख रहे हैं। गुड़ है क्या ये? गुड़ है हमें लग रहा है, लड्डू जैसे दिख रहा है। खाने से पता चलेगा क्या है इसमें। पता नहीं कुछ मिठाई जैसा लग रहा है। हाँ। अब पता नहीं, पहले चेक करते हैं ना क्या है। हाँ, लेकिन जो भी हो मस्त दिख रहा है। लेकिन गुड़ होता तो भेली होती है ना जी, बड़ा बड़ा सा। क्या पता है गुड़ है कि क्या है, पहले खा के। हमारे इधर इतना बड़ा बड़ा भेली होता है गुड़ का ना, होता है लाल लाल गुड़ तो हम लोग पहली बार देख रहे हैं, पहली बार ही देख रहे हैं। एक इतना बड़ा गुड़ होता है जो कर्नाटक महाराष्ट्र में देखे हैं। एक एक किलो, पाँच पाँच किलो का, इतना इतना बड़ा होता है। काट ले क्या हमसे? खुलेगा, रुक जाओ, खुलेगा, काटना नहीं। अरे नहीं खुलेगा, काटो इसको, काटो, काटना पड़ेगा। लो इधर से काट दो, पूरा कट गया क्या? देखो चक्कर क्या मिश्री है क्या? खा के तो पेड़ा जैसे लग रहा है। खाओ तुम, खा के देख ले, खा के देखो, बढ़िया में लग रहा है। दिखाओ वाला, लो खाओ, गुड़ है। गुड़ ही है ना, गुड़ है। हम नहीं जान पा रहे ये गुड़ है दोस्तों। और आप भी देख सकते हो हमारे इधर गुड़ इस तरह नहीं होता है। अब ऑनलाइन में आया है ऐसा। हाँ। है मिठाई जैसे का है, पेड़ा जैसे का। हाँ। और गुड़ जैसे का स्वाद ही लग रहा है ना। हाँ जी गुड़ का स्वाद है, लेकिन गुड़ ही है हमें लग रहा है ना। गुड़ है, गुड़ है। हाँ और क्या हो सकता, मिठाई तो है नहीं, गुड़ है। हाँ, और खा लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लो खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं किसने भेजा हमको, और पिछली बार बता भी चुके हैं। हाँ। तो मतलब वही सामान, मतलब वो पूरा नहीं आ पाया था, ये बचा वो बचा सामान था आया है ना। चावल चाय पत्ती। हाँ, चावल और चाय पत्ती आ चुकी है हमारे लिए। तो चावल हम बना भी चुके हैं, बासमती चावल है ना। हाँ, और चाय भी बना चुके हैं। एक एक बार बना, एक एक बार बनाए हैं। और ये अनीता दीदी ने भेजा हमको, अनीता भारद्वाज जी पूरा नाम है उनका, तो उन्होंने भेजा है और इतना सारा हमारा मदद किया है, हमको बहुत खुशी हुई। और ये सारा सामान बहुत दिन के लिए हो जाएगा ना, आटा हमको नहीं लेना पड़ेगा, तेल भी नहीं लेना पड़ेगा। इस बार हम कुछ बनाएंगे, जैसे
फुलौरी मुंगौड़ा या उस तरह का बना देंगे ना, बनाएंगे क्या पकौड़ी? समोसा, समोसा बनाएंगे, समोसा नहीं बनेगा, सामान बहुत लगेगा ना, पकौड़ी कोई बना लेंगे, समोसे में सामान नहीं लगेगा, आलू मैदा लगेगा, तो कुछ तो हम बनाएंगे इस बार, तेल हमारे पास आ गया है ना, पकौड़ी बनाएंगे। तो दोस्तों दीदी जी के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब दीदी जी हमारे हमेशा खुश रहें और भगवान हमेशा खुश रखे उनको। हम भगवान से दिल से प्रार्थना करते हैं इस बार से, यही चाहते हैं कि दीदी जी हमेशा खुश रहें और आगे खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़े ना। और दीदी जी आपको ये सामान हमको भेजने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और थैंक यू। और हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ये सामान मतलब देख करके। तो दोस्तों अब ये वीडियो यहीं पर रोक देंगे क्योंकि अभी काम पे भी जाना है और ये सामान पूरा रख देंगे जया जी। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से किसी नए वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।